हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 12। आज मैं जाने वाली हूँ क्लिनिक जाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। वैसे भी मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। डेली रूटीन में मैं अपना क्या वीडियो बनाऊँ, कि क्योंकि वही होता है, मैं सुबह उठकर अपने कामों में लग जाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर दिन भर मैं अकेली रहती हूँ, और फिर बच्चे आते हैं तो उनको खाना देना, ये करना, ट्यूशन भेजना, इस सब में ही मेरा वक्त चले जाता है। आज जा रही हूँ बाहर, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज सफल घर पर ही है, आज उसकी छुट्टी है, एग्ज़ाम चालू है, तो प्रिपरेशन लीव के लिए छुट्टी दी गई है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और वो देखो ना, एग्ज़ाम शुरू है, फिर भी बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे खेलने में ही लगे रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा पेपर है कुछ है, और ये तो फाइनल एग्ज़ाम है। और जिस ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन तो पेरेंट्स को ही होता है, पेरेंट्स में भी सिर्फ मम्मी को ही टेंशन होता है, पापा तो कोई टेंशन नहीं, पापा तो बस बोलते हैं कि ये करा दो वो करा दो, बात ख़त्म, ये नहीं किया, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, इसका पेपर निकालो, ये निकालो। जितना भी एफर्ट्स लेना होता है बच्चों को, वो सिर्फ मदर के द्वारा ही लेना होता है, बाकी फादर तो सिर्फ पैसा लगाने का काम करते हैं और कुछ नहीं, और बोलने का काम करते कि ये कर दो वो कर दो। मेरे यहाँ तो अक्सर ही ऐसा होता है, आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर आपके यहाँ पापा पढ़ाते होगे तो और भी अच्छी बात है, मम्मी का उतना ही टेंशन कम हो जाता है। और देखिए, सफल को तो एक उसका फ्रेंड भी मिल गया है, उसको भी आज छुट्टी है, तो बाहर बहुत धूप है तो बाहर तो खेल नहीं सकते हैं, और अप्रैल महीना भी चालू हो गया है, गर्मी भी बहुत है, तो बाहर भी नहीं भेज सकते, और जब शाम को बाहर खेलते हैं तब ऑफिस छूटते हैं तो गाड़ियों के आने का टाइम होता है, जिसके कारण बच्चे बाहर भी नहीं खेल पाते हैं। सफल, पेपर है ना? नहीं है? हाँ, पढ़ाई कौन करेगा? हो गई पढ़ाई? पढ़ाई हो गई क्या सफल? बोलो सफल। सफल खेलने में ही लगा हुआ है। बच्चे घर में होते हैं तो ना खाने का ध्यान देते हैं ना कुछ, स्कूल जाते हैं तो बराबर ब्रेकफास्ट करके भी जाते हैं, स्कूल से आने के बाद भी कुछ खा लेते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं वो भी खाते हैं, और शाम को भी बराबर खाना खाते हैं, लेकिन घर में होते हैं तो उनके खाने का कोई ठिकाना ही नहीं होता, बस टीवी या तो फिर ऐसा खेलना होता है। यहाँ मैं अपने डेली रूटीन के कामों में लग चुकी हूँ। गैस ओटा अच्छे से क्लीन हो चुका है, मैंने पूरा साफ कर दिया, और अभी बस बचे हैं मेरे बर्तन। जल्दी जल्दी मैं बर्तन मांजती हूँ और क्लिनिक के लिए जाती हूँ।
क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो गई और अभी निकल ही रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं यही ड्रेस क्यों पहनती हूँ, तो मेरा ऐसा है कि जो बाहर दिखा वो पहनी। चलिए मेरी कैब आ चुकी है और अभी मैं निकल रही हूँ। मेरे साथ जा कौन रहा है? अथर्व और सफर। कहाँ जा रहा है सफर? घर पर थे तो मैंने सोचा चलो तुम भी बाहर जाकर आ जाते हैं। हम हमारा क्लिनिक आ चुका है। ये मैं होम्यो क्लिनिक में जाती हूँ क्योंकि मुझे टैबलेट्स लेना बहुत जान पर आता है। वेटिंग पर बैठे एक पेशेंट अंदर गए तब तक मैं यहाँ वेटिंग पर बैठना पड़ रहा है। सफ़र हो रहा है वो। मेरा क्लिनिक का काम हो चुका है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ और बच्चों को खिलानी थी सेव पूरी। यहाँ बन रही है बच्चों की सेव पूरी। बच्चों ने सेव पूरी खा ली है। आए तो मेरे साथ इसी यही लालच दिया था मैंने उनको कि चलो आपको सेव पूरी खिलाऊंगी, इसलिए वो मेरे साथ आए है ना। सफल सेव पूरी के लालच से आया है ना, तो मेरे साथ चलिए वो है ना। और फिर अथर्व भी सफल के साथ खेल रहा था तो मैंने बोला चल तू भी चल। वैसे वो भी कहीं जाता आता नहीं है ज़्यादा, तो मैं उसे अपने साथ लेकर आई। आज छोटी भाभी का बर्थडे था तो हम वहाँ जा रहे थे। मेरा मन नहीं था, मेरा मन यानी बच्चों के एग्ज़ाम है तो उसके कारण कैसे टाइम लेट हो जाता है आने में, इसलिए जाने का थोड़ा झिझक रहे थे। पर बच्चों की फिर जिद थी कि चलो चलते हैं, तो भाई भाभी ने पहले ही केक दूसरी जगह कट कर लिया था, लेकिन हम सिर्फ फिर खाना खाने चले गए। वैसे भी घर में हमको बहुत लेट हो गया था, 9 घर में ही बज गए थे, बस हम रात का डिनर करने चले गए। यहाँ हमारा मसाला पापड़ आ चुका था और खाना तो इतना टेस्टी था, पता नहीं क्या ऑर्डर किया। मैंने तो अपने लिए कीमा ऑर्डर किया था और ये ग्रीन मटन था और एक ऑरेंज टाइप कम स्पाइसी का स्पेशल काजू वाला मटन था जो खाने में बहुत ही टेस्टी था। साथ ही में मैंने नान ऑर्डर किया था, किसी ने तंदूरी रोटी ऑर्डर की थी और बिरयानी। बिरयानी तो बनती ही है। तो सफल वैसे घर में तो खाना खाता नहीं है, उसको घर का खाना टेस्ट नहीं लगता, पर उसको बाहर का खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो बहुत पेट भर के भी खाता है। हमारा खाना हो चुका था, हम बाहर वेट कर रहे थे।
अब बिली भाई बिल पर दे रहा था और फिर बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम था, बट यहाँ सियान गाड़ी निकाल रहा है। उसको बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, वो मेरे बाजू में बैठा था, लेकिन उसका कहना था कि नहीं मैं यहाँ बैठूँगा और गाड़ी चलाऊँगा, इसलिए मैंने उसका पट से वीडियो बना लिया।